श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जिस स्त्री में यह पांच गुण होते हैं वह स्त्री अपने पति को मालामाल बना देती है, यानी कि जिस घर में वह स्त्री होती है उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसी प्रकार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री है और उस स्त्री में ऐसे कौन से पांच गुण हैं जिनकी वजह से पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमेशा की तरह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। दोस्तों, नंबर एक, जो स्त्री 5 से 4 बजे के बीच में उठती है वह स्त्री बहुत ही सर्वगुण संपन्न होती है, क्योंकि जो स्त्री 4 से 5 बजे के बीच उठती है और घर का सारा काम कर लेती है, उस घर में कभी भी आलस पैदा नहीं होते हैं और वह घर हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली से भरा रहता है। दोस्तों, नंबर दो, जो स्त्री अपने साथ साथ अपने घर के सभी परिजनों का खाने पीने का और सभी तरह का ख्याल रखती है, उस घर में कभी किसी भी प्रकार की बीमारियों का वास नहीं होता है। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता होती है उस घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। दोस्तों, नंबर तीन, जो स्वागन स्त्री प्रतिदिन तुलसी को सींचती है, यानी कि तुलसी में जल चढ़ाती है, उस स्त्री की मांग हमेशा हमेशा के लिए भरी रहती है और उस स्त्री को सदा स्वागिन रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर चार, जो स्त्री अपने घर में आए मेहमानों का ठीक तरीके से ख्याल रखती है, खान पान करती है, उस स्त्री के पति का मान सम्मान हमेशा ही बड़ा रहता है और वह स्त्री अपने पति का नाम ऊंचा कर देती है। नंबर पांच, जो स्त्री हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत करती है, उस स्त्री पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है, जिसकी वजह से उस स्त्री के घर पर और उस स्त्री के पति पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा ही बनी रहती है। इसी प्रकार दोस्तों, ये पांच गुण अगर किसी स्त्री में होते हैं तो उस स्त्री का घर हमेशा सभी चीज़ों से सर्वगुण संपन्न रहता है। इसी प्रकार हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।